एक बार समझेंगे कि असम में क्यों उपचुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव की नौबत क्यों आई, ये भी बताएंगे कि ओपिनियन पोल के अनुसार कौन बाजी मार सकता है, उम्मीदवारों की मृत्यु और इस्तीफे के कारण ये सीटें खाली हुई थी, और तमाम सवालों के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन लीग पर। साथ ही आज हम बात करेंगे कैसे किया जाता है सर्वेक्षण और कैसे तैयार किया जाता है ओपिनियन पोल। तो शुरू करते हैं आसाम बाई पोल। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। 5 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, वहीं 2 नवंबर को 5 विधानसभा सीटों की वोटों की गिनती होगी। जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसमें विधानसभा नंबर 28 गोसाईगंज, 41 नंबर की भवानीपुर, 58 नंबर की तामोलपुर, 101 नंबर की मरियानी और 107 नंबर की थौड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज की सीटें शामिल थीं, जिस पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। इलेक्शन विंग ने इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल किया था, जो एकदम सटीक साबित हुआ था। अब हम असम के 5 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। हम किसी भी पार्टी का पक्षपात नहीं करते, हम वही दिखाते हैं जो डाटा बता रहा है। दोनों ओपिनियन पोल का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए जरूर देखें। सबसे पहले गोसाईगंज विधानसभा की बात करते हैं कि किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस प्रकार है। ध्रुवा कुमार ब्रह्मा नारजारी बीपीएफ से, जिरोन बासुम तारी यूपीपीएल से, खैरुल अनम खांडा करी एयूडीएफ से, जुवेल टूडू कांग्रेस से और अन्य। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस प्रकार हैं। फरीधर तालुकदारी बीजेपी से, शैलेंद्र नाथ दास कांग्रेस पार्टी से, जब्बार अली एयूडीएफ पार्टी से और अन्य। तामोलपुर विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस प्रकार है। जोलेन डेमरी यूपीपीएल पार्टी से, भास्कर दहाली कांग्रेस पार्टी से, ब्रजेंद्र नाथ डेगा जीएसपी पार्टी से और अन्य। मरियानी विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस प्रकार है। रूप ज्योति कुर्मी बीजेपी से, लोहित कुंवर कांग्रेस पार्टी से, गोपाल चंद्र घोटुवार असम संग्राम मोर्चा से और अन्य। थोड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे सुशांत बोरगोहेन बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं किसको कितनी फीसदी वोट मिल सकती है। विधानसभा गोसाईगंज की बात करते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक गोसाईगंज विधानसभा में बोडोलैंड फ्रंट को सबसे ज्यादा 39% वोट मिल सकती है, तो वहीं यूपीपीएल को 34%, एयूडीएफ को 11%, कांग्रेस को 12% और अन्य के खाते में 4% वोट मिल सकती है। तो बात करते हैं विधानसभा भवानीपुर की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भवानीपुर विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 44% वोट मिल सकती है, कांग्रेस को 30%, एयूडीएफ को 18% और अन्य को 8% वोट मिल सकती है। विधानसभा तामोलपुर की बात करते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक खरदाह विधानसभा में यूपीपीएल को सबसे ज्यादा 45% वोट मिल सकती है, कांग्रेस को 37%, जीएसपी को 12% और अन्य को 6% वोट मिल सकती है। तो अब बात करते हैं विधानसभा मरियानी की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार
हरदाह विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 52% वोट मिल सकती है। कांग्रेस को 39%, असम संग्राम मोर्चा को 5% और अन्य को 4% वोट मिल सकती है। तो अब बात करते हैं विधानसभा थोड़ा की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार गोसाबा विधानसभा में भाजपा को सबसे ज्यादा 61% वोट मिल सकती है। कांग्रेस को 37% और अन्य को 2% वोट मिल सकती है। अगर सही और सटीक ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी हम उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं। हम सभी 5 राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें अपना कीमती सुझाव भी दे सकते हैं। आपके कीमती सुझाव से हमें बहुत खुशी होगी। इलेक्शन विंग सिर्फ व सिर्फ ओपिनियन पोल ही दिखाता है। हमारा तजुर्बा 22 वर्षों का है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।